आप सब देख रहे हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता। एक और हावड़ा टिकिया पड़ा कि खौफनाक घटना लेके हम आपके सामने उपस्थित है, जहां इंसानियत मर जाती है, कानून का खौफ ख़त्म हो जाता है, वहीं जन्म लेती है अपराध और अपराधी। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा टिकिया पड़ा एमसी घोसलेन की ये घटना है, जहां चार लोगों को रातों रात मौत की घात उतार दिया जाता है और उन्हें मारने वाला कोई बाहरी नहीं, उसी घर की अपने लोग हैं। बताया जा रहा उस घर का छोटा बेटा देवराज अपनी पत्नी पल्लवी घोष के साथ मिलकर रातों रात अपने बड़े भाई देवाशीष और अपनी बड़ी भाभी रेखा घोष का एक नोकीला धार अस्त्र के सहारे कत्ल कर देते हैं। और इतना ही नहीं, उनकी बेटी जो कि 13 वर्षीय बेटी थी देवाशीष की, उसे भी नहीं छोड़ते। बहू बेटे को बचाने आई माधुरी देवी जो कि उसकी माँ थी, उसे भी कत्ल कर देते हैं देवराज। मौका वादा से देवराज कत्ल करके हत्या करके भाग जाते हैं, लेकिन उनकी स्त्री पल्लवी घोष को पुलिस हिरासत में ले लेती है। बताया जा रहा है पिछले कुछ दिनों से देवराज और देवाशीष दोनों भाई के आपस में जायदाद को लेकर मतभेद चल रही थी, लेकिन कल रात अचानक से क्या होता है जिस वजह से ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं देवराज और उनकी स्त्री पल्लवी घोष। ये सारे घटना से पहले देवराज और पल्लवी अपने 7 साल के बेटे को ऊपर कमरे में बाहर से लॉक कर देते हैं। घटनास्थल में पहुंची पुलिस प्रशासन बाहर की ताले को तोड़कर 7 साल के बेटे को अपने कस्टडी अपने साथ ले लेते हैं। साथ ही जिस अस्त्र से ये पिछले कुछ दिनों से हावड़ा टिकिया पड़ा सुर्खियों में देखा जा रहा है, पिछले कुछ दिनों से लगातार एक ना एक घटना हावड़ा टिकिया पड़ा के सामने देखने को आ रही है। क्या है इन सारे घटनाओं की वजह, क्यों इस आज हावड़ा टिकिया पड़ में दिन दहाड़े इस तरह एक हत्या करना मर्डर करना आम होते जा रहा है। आइए देखते हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता के माध्यम से। तो और भी अपडेट पाने के लिए न्यूज़ लाइन कोलकाता को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। অফিসার কি আছে ওখানে এটা সুভাষ আছে সুভাষ সুভাষকে দেন ওখানে চাবিটা আছে হ্যাঁ মেডিকেল কাছে চাবিটা আছে বলছে নেই আমার আমি ভুলে গেছি মনে পড়ছে আরে ওর চেক করতে বললাম তো কোন নম্বর নিয়ে আসছে এখানে অফিসার কি আছে ওখানে এটা সুভাষ আছে সুভাষ সুভাষকে দেন ওখানে চাবিটা আছে হ্যাঁ মেট্রো কাছে চাবিটা আছে বলছে নেই আমার কাছে আমি ভুলে গেছি মনে পড়ছে আরে ওর চেক করতে বললাম তো ঘুমিয়ে পড়েছে ছেড়ে দিন তারপরে মাথা কেটে রক্ত বেরোচ্ছে ওই তো পল্লবী ঘোষের কিছু কতজন থাকেন এখানে আপনার নাম কি? আপনার নাম? আমার নাম শিশির কুমার ঘোষ। কি করতো ছেলে? ছেলে কি করতো? আমার ছেলে কোনোদিন ঝগড়া জাতীয় হয় না, চাচা চাচি হয় না, আজ হঠাৎ
শুনতে পেলাম যে আমি গিয়েছি কি হলো छुटे वह जाते शाम को आते बस वही तो कुछ मतलब कैसा लग रहा था उनका नहीं थी कुछ नहीं कुछ भी जैसे रेगुलर रहती है वैसी है जैसे रेगुलर जाती है वैसे ही अच्छा तो फिर इस तरह का घटना सुने कैसा लग रहा किसका फ्रेंड है आप नाम क्या है रेखा नाम है उसका उसी का नाम मर गया देखा देखे नहीं सिर्फ सुने अभी और अभी भी हमको पूरा तरह से पता नहीं कि वही है अभी तक पूरा पता भी नहीं कि अभी तक कि वही है और हम लोग उसके घर कभी आए भी नहीं है आज आए तो सिर्फ पहली बार हम लोग पूछ पूछ के आ रहे हैं बस काम करते थे आप लोग हम लोग हावड़ा जूट मिल हावड़ा जूट मिल में काम करते थे कपड़े का गोडाउन हाँ हाँ क्या नाम